अपनी कुछ खास अदाओं, बोल बचन और राजनीति से खासा लगाव रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू क्या फिर से पार्टी में कोई रोल लेने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या उन्हें फिर से पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा? चलिए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैरमत करती हूँ। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं और अपनी स्थिति भी ऐसे में उनको आभास है पूरी तरह से। इसलिए सिद्धू बाजी एक बार फिर से कह रहे हैं कि उन्हें पंजाब का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। ये बात वो बहुत सारे लोगों के माध्यम से कांग्रेस सुप्रीमो तक पहुंच जा चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने काफी लोगों से बातचीत की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया, क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में महज 18 सीटें जीत करके सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस में जल्दी ही बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। और सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए थे, जबकि अपने बयानों से चर्चित रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर पूर्व सीट पे हार का सामना करना पड़ा था। नतीजों के बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया था और सिद्धू ने भी एक लाइन में यह कह करके इस्तीफा दिया था कि जैसे सोनिया गांधी चाहती है मैं वैसे ही इस्तीफा दे रहा हूँ। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अब चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव के जो चैप्टर है उसे क्लोज करना चाहेगी, और क्योंकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है कांग्रेस को झेलना पड़ा है। भले ही राज्य में विधानसभा चुनाव अब 5 साल बाद होंगे, लेकिन कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफी परेशान है। उसकी परेशानी का सबब भी यही चुनाव है। सुबह की 13 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पेच कसे जा रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू का कोई अल्टरनेटिव तलाश किया जा रहा है, उनका विकल्प तलाशा जा रहा है। फिलहाल पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्टेट कमेटी की ओर से भेजे गए नामों में सांसद रवनीत बिट्टू और चौधरी संतोख सिंह शामिल है। वही गिद्दड़बाहा से विधायक अमरिंदर राजा बंडिंग और सुखचिंदर रंधावा भी इस दौड़ में शामिल है। हालांकि नवजोत सिद्धू दूसरी बार अपना प्रधान पद मांग रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस के कई करीबी लोगों से मीटिंग की, लगभग 2 दर्जन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और पंजाब की राजनीति में वापस लौटने के लिए भी उन्होंने बातों ही बातों में इशारा दिया। वहीं विधायक प्रताप बाजवा भी इशारों में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन गुटबाजी को रोकने की है, उसे थामने की है। चंजय सिंह चन्नी, सिद्धू और बाजपा मिलकर के 3 कोण बनाते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी भी अक्सर अपना सुर अलग ही अलापते रहते हैं। ऐसे में पार्टी की ये चिंता बहुत जायज है कि ऐसे किसी नेता को कमान दी जाए जिसकी छत्र छाया में पूरी पार्टी एकजुटता से काम करे। कांग्रेस की कोशिश है कि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान न हो, इसलिए कांग्रेस सांसदों पर फोकस कर रही है और नवजोत सिंह सिद्धू की साख भले ही अपनी ही सीट हारने से कमजोर हुई है, लेकिन उनके तेवर वही हैं, तेवर बरकरार हैं। और कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की मांग वो हाईकमान से कर रहे हैं। सिद्धू ने हाल ही में पंजाब के 24 नेताओं से मीटिंग की। इसमें चुनाव हारे उम्मीदवारों के साथ विधायक सुखपाल खेरा और बलविंदर धारीवाल भी शामिल हैं। सिद्धू खेमे का तर्क है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाते वक्त ही राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कि हार या जीत के जिम्मेदार सिद्धू नहीं होंगे, इसलिए अब उन्हें पद से हटाना ठीक नहीं है। तो अपनी बात वो इस तरीके से कह रहे हैं और अपना तर्क दे रहे हैं। आने वाले जो दिन हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं सिद्धू के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।